now, my DJ. Vino, Vino, Kenya. वहीं आप देख रहे हैं छात्राओं के द्वारा इस मंदिर में विभिन्न फूलों से वही आकर्षक प्रयोग के माध्यम से मंदिर परिसर में एक त्यौहार के रूप में जो मंदिर में आयोजन होते हैं उन आयोजन को लेकर विशेष साज सजा की जाती है। तो रूबरू आप देख रहे हैं इस मंदिर में भी साज सजा की गई है, यानी जो पुजारी आते हैं किस प्रकार श्रद्धालुओं की जो उनकी तिलक निकाल कर उनकी जो मनोकामना की जाती है उनको प्रसाद चढ़ाई जाती है भगवान को, तो भगवान की इस मंदिर में आप देख रहे हैं किस प्रकार कृष्ण कन्हैया की जो प्रतिमा सजाई गई है मंदिर परिसर को आप देख रहे हैं, फूल मंडली से सजाया गया है, वही प्रतिमा भी सजाई गई है, प्रतिमा के आसपास आप फूल मंडली देख सकते हैं, वही मंदिर किस प्रकार भजन कीर्तन होता है, तमाम प्रकार की ऐसा दृश्य जो इन छात्राओं ने ओपन एक्सेशन सिविल जो 7 दिवसीय आयोजित हुआ उसमें उन्होंने हर प्रकार एक दृश्य
को जीवंत करने को लेकर अभिनय किया। कहने को शिक्षा के साथ ऐसा एक आयोजन होना बहुत जरूरी है जिससे कि व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। ये बीएड की द्वितीय वर्ष की छात्राओं के द्वारा एक ऐसे से आयोजन किया गया जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की थीम तैयार की गई, जिसमें ग्रामीण परिवेश, मंदिर, बर्थडे, वहीं इससे पूर्व छात्राओं ने रंगोली बनाकर भी जो पुलवामा में शहीद जन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई थी। ये आप दृश्य देख रहे हैं बोरुंडा कस्बे की सबल बालिका शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय, जहाँ पर छात्राओं द्वारा ये मंदिर की थीम तैयार की गई, जहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों में जरूर कहीं ना कहीं एक शिक्षा के साथ अन्य ज्ञान भी होता है, आयोजनों की जानकारी होती है, किस प्रकार जैसे थीम क्या की जाती है, किन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, आयोजन कैसे होते हैं, फिर आयोजनों को लेकर कैसे मैनेजमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएँ। वहीं मंदिर परिसर में पुजारी के द्वारा जो श्रद्धालुओं को हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है उनकी मनोकामनाओं को लेकर, वो भी छात्राओं ने एक थीम तैयार कर प्रस्तुति दी। वहीं सबल महिला श्रद्धालुओं को महाविद्यालय के अंदर द्वितीय वर्ष की छात्राओं का ओपन एयर सेशन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 5 डेज इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें आज उनका समापन समारोह था। समापन समारोह के अंदर जो सभी ग्रुप ने अपनी अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी, जिसमें से कस्तूरबा गांधी ने अपने आओ बोरुंडा चले ग्रामीण परिवेश को उसमें उतारा था कि किस प्रकार ग्रामीण परिवेश के अंदर कि किस प्रकार खाना बनाया जाता है, किस प्रकार की संस्कृति आती है इसके अंदर, किस प्रकार बालक बालिकाएं स्वतंत्र वातावरण में खेलते हैं, इन सभी की थीम को उसमें उतारा गया था। और दूसरे ग्रुप के अंतर्गत छात्राओं ने बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, और एक थीम था जिसमें छात्राओं ने मंदिर निर्माण का था, जो कि वर्तमान में मुद्दा भी चल रहा है मंदिर निर्माण का, तो उसी थीम को उन्होंने उतारा था कि हमें सब मिलकर रहना चाहिए, किस प्रकार हमारी संस्कृति एक है, सद्भावना को हम बनाए रखना चाहिए, उस थीम को उन्होंने उतारा था। और एक ग्रुप है जिन्होंने ये महिला संगीत कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने करा था, कि क्योंकि महिला संगीत जो एक कार्यक्रम है ये पारिवारिक कार्यक्रम है और इसमें इसको इसकी अति आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए छात्रों को इस कार्यक्रम के दौरान यह भी सिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार महिला संगीत के अंदर अपनी प्रस्तुतियां दी जाती है। और इस 4 दिन के कार्यक्रम के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें से स्किट कार्यक्रम, युगल नृत्य, ग्रुप नृत्य, वन नेट गेम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इस प्रकार के कार्यक्रम इसमें किए गए थे, जिसमें से इन सभी कार्यक्रम के समापन समारोह में हमारे सभी स्टाफ का कार्यक्रम को आरंभ से लेकर अंत तक में सभी के स्टाफ सदस्य श्रीमती अंजू विजय, स्वीटी वशिष्ठ, श्रीमती आशीष शर्मा, माणक जी पवार सर, इन सभी का योगदान काफी सराहनीय रहा। मैं इन सभी को धन्यवाद देती हूँ, इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में उन्होंने अपना अथक प्रयास और परिश्रम किया।